नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल का। मैं सॉल्व पेपर लेके आया हूं जो कि 2014 का पेपर है। इससे पहले दोस्तों मैंने 2013, 2018 और 2019 का सॉल्व पेपर के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के तीनों की लिंक जो है आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि 2020 के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इन प्रश्नों को देखना। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है, हिंदी से जो है 15 प्रश्न पूछे गए थे और अंग्रेजी से जो है 15 प्रश्न पूछे गए थे, पर्यावरण इन्वायरमेंट से 15 प्रश्न पूछे गए थे, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे गए थे और मैथ से 20 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार से परीक्षा में कुल 100 प्रश्न जो है पूछे गए थे। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पर हम हिंदी के क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहला दिया है तुलसीदास लेखक हैं, तो यहाँ पर तुलसीदास जी लेखक हैं विनय पत्रिका के, विनय पत्रिका लिखी थी, साथ में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। आगे हम यहीं पर देख लेते हैं, जल का पर्यायवाची नहीं है, पानी वारी सलिल अनल, अनल यहाँ पर जो है जल का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखते हैं, नीरज किस कवि का उपनाम है, नीरज किस कवि का उपनाम है, तो यहाँ पर जो है आंसर है वो गोपाल दास जी का नाम जो है का उपनाम नीरज है। दोहा छंद में मात्राएं होती हैं, दोहा छंद में जो है मात्राएं होती हैं 13 और 11, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, और दोहा का उल्टा सोरठा होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है, परीक्षा शब्द का जो शुद्धतम रूप हमको बताना है, तो यहाँ पर हमारा डी नंबर का आंसर आएगा। परीक्षा का शुद्धतम रूप जो है परीक्षा या डी नंबर का है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, तो यहां पर जो हो जाएगा हमारा आ सी नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, बी नंबर का आंसर, बहुत बार पूछा गया है। आगे देखते हैं, आगे दिया है ठन ठन गोपाल का अर्थ, मुहावरा दिया गया है यहाँ पर, तो ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है धनहीन होना, डी नंबर का आंसर यहाँ पर आएगा। सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ होता है, सी नंबर का यहाँ पर आंसर हमारा सही होगा। आगे हम देखते हैं, राजपुत्र में समास है, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र है, मतलब यहाँ पर दोनों पद हमारे प्रधान होंगे, तो यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होगा। आगे देखते हैं, विशेषण शब्द शीतल की भाववाचक संज्ञा होगी, तो शीतल की भाववाचक संज्ञा होगी शीतलता, यहाँ पर बी नंबर का हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, कविंद्र शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर का हमारा कविधन इंद्र, कविंद्र। अगला देख रहे हैं हम, पीपर पात सरिस मन डोला अलंकार है, यहाँ पर जो है उपमा की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता का नाम है बंकिम चंद चटर्जी, बी नंबर का आएगा। आगे हम देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ए नंबर का होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम इंग्लिश के क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है मिस्टर वर्मा इज सीनियर, हमको यहाँ पर बताना है क्या आएगा, तो मिस्टर वर्मा इज सीनियर टू मी, तो यहाँ पर जो है सी नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर का सी आएगा यहाँ पर। आगे हम बाजू में देख लेते हैं, द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमको बताना है, यहाँ पर हमको शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले सब में तो ए ए दिया ही गया है, शुरुआत में सब में ए दिया गया है, ठीक है। एक के बाद जो है फिर दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर का सब में हम दूसरा दूसरा शब्दों को
देख लेंगे, वर्ड को देख लेंगे, तो यहाँ पर एम बी एन और पी, तो इनमें सबसे पहले आता है बी, तो सबसे पहले बी वाला जो हम देख लेते हैं, ठीक है, बी वाला आएगा, फिर इसके बाद मतलब फर्स्ट में हमारा आ जाएगा, अबर्ट आ जाएगा, फिर हम देख लेते हैं, फिर बी के बाद क्या आएगा, एम आता है, एम आता है मतलब एम्पेल हो जाएगा, फिर हमारा एम के बाद आता है एन, एंजाइटी हो जाएगा, और फिर अगला हो जाएगा एपिटाइल हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा वो बन रहा है हमारा यहाँ पर सी नंबर का, सी नंबर का यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम यहाँ देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, डिवाइड दीज स्वीट्स, फिल इन द ब्लैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स दिया गया है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा एमोंग होगा, बी नंबर का यहाँ पर आंसर होगा। आगे देखते हैं, फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोविंग, यहाँ ऑड बताना, पेन चेयर बॉटल और इंक में हमको ऑड बताना, तो यहाँ पर चेयर जो है ऑड शब्द है, यहाँ पर जो है बी नंबर का आएगा। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखना है हमको ओपोजिट, इंक्लूड का हो जाएगा, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड हो जाएगा, ए नंबर का आएगा। आगे देखते हैं, माई ब्रदर इज एच डी ओ, जब भी शॉर्ट फॉर्म होता तो एन जो है हमारा संक्षिप्त शब्दों में जो है एन का यूज होता है। आगे देख लेते हैं, यहीं पर नी, नी का साइलेंट लेटर हमको बताना, तो यहाँ पर के जो है साइलेंट होता है। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ टाइगर, टाइगर का फेमिनाइन जेंडर होगा टाइग्रेस, डी नंबर का आंसर होगा यहाँ पर। आगे देख लेते हैं, द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेट, ग्रेट का जो है तो यहाँ पर ग्रेट ही होगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर चाइल्ड का प्यूरल हमको बताना है, तो चाइल्ड का प्यूरल होता है चिल्ड्रन होता है, तो बी नंबर का हमारा आंसर होगा यहाँ पर। आगे हम देख लेते हैं, टू स्मेल अ रैट, मीनिंग बताना है टू डिलीट बैड स्मेल, यहाँ पर हमारा ए नंबर का आंसर आ जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, पानी में भी रहता है और पृथ्वी पे भी रहता है, थल में भी रहता है, तो ऐसा कहलाता है हमारा बी नंबर का, यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, जो कि कहलाता है एम्फीवियन, यहाँ पर हमारा बी नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, आई लाइक स्वीट द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखते हैं, आई लाइक स्वीट्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और यहाँ पर लाइक है तो यहाँ पर हमारा डू नॉट लगेगा, डू नॉट लाइक स्वीट्स हो जाएगा, मतलब बी नंबर का हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा। जब क्रिया में एस ई एस नहीं आता तो डू, और जब क्रिया में एस ई एस आता है तो डज नॉट लगता है, तो यहाँ पर डू नॉट आएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हमको बताना है द रैमिंग वर्ड साइन, साइन का रैमिंग वर्ड हो जाएगा डार्क, बी नंबर का हो जाएगा। द पास्ट पार्टिसिपल इज नॉन, नो, नो का जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल हमको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल नॉन हो जाएगा, बी नंबर का यहाँ पर हो जाएगा हमारा। आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर पर्यावरण के क्वेश्चन हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नहीं है, CO2, SO2, NH3, तो यहाँ पर जो है O2 ऑक्सीजन जो है प्रदूषक नहीं है। आगे देखते हैं, वायु दाब मापने की इकाई है, वायु दाब मापा जाता है मिलीमीटर से, सी नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पर चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगोड़ा जी, बहुत बार पूछा गया, इनको वृक्षों का आदमी भी कहा जाता है, और वृक्षों को बचाने से संबंधित इनका आंदोलन था, हर बार लगभग पूछा गया है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, बी नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता वो उपभोक्ता कहलाते हैं जो जो शाकाहारी होते हैं, हिरण यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता होगा। आगे हम देख लेते हैं,
मरुस्थली क्षेत्र में ज्यादातर जंतु होते हैं, रात में सक्रिय होते हैं, ये नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है? मलेरिया, मधुमेह, पीलिया, रक्त कैंसर। यहाँ पर पीलिया जो है दूषित जल के पीने से होती है। आगे देखते हैं, पृथ्वी हमारी आकाशगंगा का एक ग्रह है, डी नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, लवणी जल का प्रमुख स्रोत है समुद्र हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे जो है खनिज लवण जो है मिले होते हैं, और तभी समुद्र का जल जो है खारा होता, नमकीन होता है। आगे देखते हैं, भूमध्य रेखी जलवायु होती है, भूमध्य रेखी जो जलवायु होती है वो गर्म और आर्द्र होती है, डी नंबर का आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी का सबसे भारी जंतु है, पृथ्वी का सबसे भारी जंतु होता है नीली व्हेल मछली। आगे देखते हैं, व्हेल मछली लेट के कारण होता है वायु प्रदूषण, बी नंबर का आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, अगली वर्षा में उपस्थित होता है, यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा हमारा ए नंबर का आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, H2O पानी के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल जो है बना लेते हैं। आगे देखते हैं, प्रमुख प्रदूषण फैलाने वाला घटक है, मनुष्य होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, यहाँ पर जी के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है, किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को जो है मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लोहे में जंग लगना किस परिवर्तन का उदाहरण है? लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है, वायु की नमी और जो है क्रिया करके, लोहे के साथ क्रिया करके जंग, उस पे जंग का निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे छोटा वन विहार है। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। आगे देखते हैं, BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए होता है? TB के लिए होता है, क्षय रोग जिसको बोलते हैं, और TB का कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है इसका मुख्य कारण होता है। आगे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी जो होशंगाबाद में स्थित है, होशंगाबाद जिले में। आगे देखते हैं, मताधिकार के लिए निर्धारित आयु है 18 वर्ष, बी नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, नेहरू जी का जन्म दिवस के रूप में हम बाल दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया खरीफ फसलों की कटाई होती है अक्टूबर और नवंबर में होती है, बुआई की बात करें तो जून जुलाई में बुआई होती है, रबी की जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर या दिसंबर हम कह सकते हैं, और कटाई जो होती है मार्च में, फरवरी मार्च में जो है रबी की कटाई हो जाती है। तो यहाँ खरीफ की बात किया है तो यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग होता है? तो क्रिकेट में जो है गुगली शब्द का यूज होता है। आगे देखते हैं, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ए नंबर का आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। आगे देखते हैं, तात्या तोपे की समाधि किस शहर में है? तो तात्या तोपे की जो समाधि है वो है शिवपुरी में, डी नंबर का आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सी नंबर का यहाँ पर होगा, उत्तराखंड जो है मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा को नहीं छूता। आगे देखते हैं, यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एड्स का रोग जनक है, एड्स का वाहक है जो है HIV होता है, ए नंबर का आएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का जो नाम होता है वो होता है
एक्वायर्ड एमिनियो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। आगे देखिए, हाँ देखते हैं कौन सी गैस जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। जल में घुल करके कार्बनिक अम्ल बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि पानी के साथ घुल करके, जल के साथ घुल करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है और अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस होती है। आगे देखते हैं, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, बी नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय पवन होता है, वायु होती है, बी नंबर का होगा आंसर। आगे देखते हैं, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस है, एलपीजी में पाई जाती है ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन, तो मुख्य घटक इसका ब्यूटेन होता है, यहाँ पर बी नंबर का आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, ओजोन परत पर वायुमंडल में किस भाग में पाई जाती है। ओजोन जो है क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है और समताप मंडल के निचले भाग में, मतलब यहाँ पर हमारा क्षोभ मंडल हम कह सकते हैं, क्षोभ मंडल के में पाई जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था, इसका आंसर है सी नंबर का, 19 अप्रैल 1975 को, और उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। आगे देखते हैं, बैरोमीटर की खोज की थी, बैरोमीटर की खोज की थी गैलीलियो ने, ए नंबर का आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है, इसका आंसर होगा प्लास्मोडियम, बी नंबर का आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, वायु प्रदूषण का प्रभाव है, ओजोन परत का क्षरण, हरित प्रभाव, ग्रह प्रभाव, अम्लीय वर्षा, उपर्युक्त सभी होंगे, यहाँ पर डी नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, यहाँ पर ए नंबर का आंसर होगा 9.4608 × 10^15 ए नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, पादप कोशिकाओं की विशेषता होती कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्ति का, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर आंसर होगा उपयुक्त सभी, पादप कोशिकाओं में उपयुक्त सभी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, एक कोशी जीव है, अमीबा जो है एक कोशी जीव है, अमीबा और पैरामीशियम, तो ए नंबर का आंसर यहाँ पर आएगा। आगे देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3, सी नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है, तो यहाँ पर मनुष्य जो है सर्वाहारी है, ए नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, भूकंप का मापन किया जाता है सीस्मोग्राफ से किया जाता है और स्केल का नाम है रिएक्टर स्केल होता है, सीस्मोग्राफ से मापा जाता है और स्केल का नाम रिएक्टर स्केल है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन के सम स्थानिकों की संख्या होती है 1 होती है, ए नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, पारितंत्र में पौधे कहलाते हैं, यहाँ पर कहलाते हैं उत्पादक, बी नंबर का आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी नंबर का यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर जो हमारे मैथ्स के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, पहला प्रश्न देख रहे हैं, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr, यहाँ पर ए नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² 6a² होता है, 6 × a का मान है हमारा 7, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 और 6 × 49 हो जाएगा हमारा 294 वर्ग सेंटीमीटर, बी नंबर का आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 9809 का वर्गमूल होगा, इसका जो हम गुणनखंड तोड़ लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा ए नंबर का 99। आगे देखते हैं, यह हम देख रहे हैं, यदि एक घन का आयतन 3375 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई होगी, तो यहाँ पर घन का जो आयतन होता है 1^3 होता है,
यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे 3375 और एक ही घात 3 बराबर इसका जो है हम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो हो जाएगा 15 की घात 3, कैंसिल करेंगे तो ए बराबर 15 सेंटीमीटर, ए नंबर का आंसर हमारा सही होगा। अगले आगे देखते हैं हम। यहाँ पर एक्स का मान हमको निकालना है, 3x+2 = 11, 2 को जो है पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा 3x = 11 -2 हो जाएगा, तो 3x = 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए नंबर का आंसर हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 8000 का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 8000 गुणित 5 गुणित 2 के बटे 100, 2 जीरो, सो 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल होंगे, इधर हमारा 10 हो जाएगा, इधर हमारा 80 है और इधर हमारा 5 × 2 हो जाएगा 10, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा यहाँ पर, तो जो ब्याज निकलेगा वो 800 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अर्धवृत्त का कोण होगा, वृत्त का कोण जो होता है 360 होता है, अर्धवृत्त 2 से भाग दे देंगे तो 180 जो है आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, 3 दर्जन संतरों का मूल्य 27 रुपये है, तो 5 दर्जन संतरों का मूल्य होगा, तो यहाँ पर 1 दर्जन का मूल्य निकाल लेते हैं तो 27/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 रुपये जो है प्रति दर्जन हो जाएगा, और 5 के साथ 9 का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45 रुपीज़। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमको गुणनखंड निकालना है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है x² - 64, तो यहाँ पर जो हम x² और हो जाएगा -8 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो हमारा फार्मूला लगता है a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में ऋण भी एक कोष्टक में ए धन भी, तो एक कोष्टक में हो जाएगा x-8 हो जाएगा, दूसरे में x+8 हो जाएगा, तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा हमारा सी नंबर का हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा। आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर है 11, बी नंबर का आंसर होगा 11। आगे देखते हैं, 110 अंश का संपूरक कोण होगा, यहाँ पर जो है 110 का संपूरक कोण होगा, तो हमें मालूम है कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम जो संपूरक कोण उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और दोनों का जो है टोटल हो जाएगा 180 अंश। इसको यदि हम 110 को पक्षांतर में उधर लेके जाते हैं, 180 में से 110 को घटाएंगे तो 70 अंश आ जाएगा, बी नंबर का आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है 0.3³ दिया है का मान निकालना है, तो इसका 3 बार हम गुणा कर देंगे तो 3 3 3 का गुणा जब करते हैं तो 27 आता है, और 3 संख्या दशमलव लगा हुआ एक संख्या के बाद, तो 3 संख्या के बाद हम इधर दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो आएगा सी नंबर का आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो सी नंबर पे जो निकल के आ रहा है वो 0.027 आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर की है, तो कर्ण हमको निकालना है, समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे, यहाँ पर जो है हमारा कर्ण हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है तो इधर हमारा कर्ण में वर्ग लगा हुआ है और इधर 100 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ जो है हमारा सॉरी यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 10 का वर्ग होता है 100, तो यहाँ पर जो हमारी अगली भुजा जो निकल के आएगी वो डी नंबर की आएगी 10 सेंटीमीटर। इसको आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो है समबाहु त्रिभुज हमारा दिया गया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ABC समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पर
ए जो कोण दिया गया है वो 60 का दिया गया है, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा दुगना बनता है, दुगना जो है 60 का दुगना हो जाएगा 120 अंश, तो 120 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 120 बी नंबर का आंसर यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी नंबर का आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 11, यहाँ पर 9 की घात 3 होता है और जी यहाँ पर 4 की घात 3, यहाँ पर डी नंबर का जो है अलग है, यहाँ पर 243 जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे देखते हैं। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, मतलब फार्मूला लगाएंगे पाई आर का स्क्वायर, त्रिज्या को दोगुना कर दिए पाई हो गया और 2 आर पूरे का वर्ग कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना। सी नंबर का आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है 16.81 का वर्गमूल होगा, तो यहाँ पर जो है हम इसको निकालने के लिए 1681/100 कर देंगे, बाहर 10 निकल के आ जाएगा नीचे हमारा 100 का वर्गमूल, और ऊपर जो है हम इसका इसको हम फैक्टर निकाल लेंगे, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे, तो हमारा 41 निकल के आ जाएगा और 10 का भाग हो जाएगा इस पे, तो आ जाएगा हमारा 4.1 आ जाएगा। डी नंबर का आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं। x की घात 0 का मान होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब किसी भी संख्या में घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। यदि मान लीजिए 100 की घात 0 दिया गया है तो 100 की घात 0 का मान भी 1 यहाँ पर होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 3/5 में से 8/5 घटाइए, तो यहाँ पर 3/5 - 8/5 को हमको घटाना है, तो हमारा जो है नीचे तो लघुत्तम ले लेंगे 5 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 - 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा -5 ऊपर हो जाएगा और अपॉन में 5 हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा, तो माइनस यहाँ पर हमारा जो आएगा -1 आएगा। डी नंबर का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैंने और भी जो है 2013 और 2018 2019 का जो है सॉल्व पेपर डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।